हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? बढ़िया होंगे, बहुत बेसब्री से इंतजार है आपको। पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब आगे पढ़िए। हम लोग पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी, पढ़ रहे थे बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर और डी फार्मा सेकेंड ईयर का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था जनरल फार्माकोलॉजी में। हम लोग बात कर रहे थे काइनेटिक्स में, और काइनेटिक्स में पता था कि तीन चीजें होती हैं, चार चीजें, ए डी एम ई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। हमने लास्ट क्लास में एब्जॉर्प्शन को खत्म कर लिया था। एब्जॉर्प्शन हमने क्या जाना था कि जब हम कोई दवा खाते हैं तो दवा हमारे पेट में जाके घुलती है, और पेट में घुलने के बाद उसके पार्टिकल्स कहाँ पहुंच जाते हैं? ब्लड। हमने यहां तक जाना था, उस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड इस टॉपिक को कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। यानी एटीएमई में चार चीजों में हम दूसरा चीज लेकर आ जाए हैं आज, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंड्स क्या है कि जब हमने दवा खाया, दवा हमारे एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में चला गया, तो अब ब्लड में जाने के बाद करें क्या? अब आपका उसका मेन काम क्या है फ्रेंड, कि वो हमारे बॉडी के अलग अलग रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और जब वो अलग अलग रिसेप्टर से बाइंड करेगा फ्रेंड्स, तो क्या करेगा, वो जाके हमारी बॉडी में फार्माकोलॉजिकल एक्शन लेगा। और वो रिसेप्टर तक पहुंचे कैसे? रिसेप्टर तक पहुंचने की क्रिया और रिसेप्टर से बाइंड होने की जो क्रिया है, यही है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदी में कहते हैं वितरण। वितरण का मतलब बांटना, हमको कुछ चीज मिली, सबको बांटनी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि अलग अलग चीजों, जैसे आप भंडारण में कभी खाना खाए होंगे, तो जब भंडारण खाते हैं तो अगर आप खाना खिलाए भी होंगे, तो सब्जी ले रहे भैया, सब्जी सब्जी कचौड़ी 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 बांटते ना, चटनी रायता, तो आप कहीं से लेकर आए, और आप सभी जितने खाने वाले हैं सबको थोड़ा थोड़ा चटनी रायता जो भी बांट रहे, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन ही तो कर रहे हैं। दिस इज द सेम डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है कि जब भी उसको ड्रग मिल, ब्लड को ड्रग मिल गया, अब ड्रग को बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में सभी रिसेप्टर तक पहुंचाने का जो काम है वो किसका है? डिस्ट्रीब्यूशन का। अब देखो, पहुंचाएगा तो सभी तक। आप चटनी रायता सबके पास ले जाते हैं, चटनी चटनी चटनी, कुछ लेते हैं कुछ नहीं लेते हैं, तो जिसको जरूरत होगी वो लेगा, जिसको जरूरत होगी नहीं लेगा। तो क्या होगा भैया फ्रेंड डिस्ट्रीब्यूशन में, कि जिसको जरूरत होती है वो लेता है, यानी हमारा ड्रग उस रिसेप्टर से बाइंड होगा जिस रिसेप्टर का शेप ड्रग के शेप की तरह होगा, उसको ले लेगा। अच्छा, कभी कभी होता है भंडारे में कुछ लोग चटनी ले लेते हैं, उनको जरूरत नहीं होती है लेकिन वो खाते नहीं, अब क्या होगा? चटनी हमारा वेस्ट, पैसा हमारा वेस्ट। वही कॉन्सेप्ट यहां भी है। कुछ रिसेप्टर ऐसे होते हैं जिनका सेब कुछ कुछ मिलता जुलता है, उनको जरूरत नहीं है लेकिन वो उस ड्रग को ले लेते हैं। अब हमको जरूरत नहीं थी, हमने ले लिया, तो वेस्ट तो हो जाएगा। उसी तरह वो ड्रग जब उस रिसेप्टर से बाइंड करता है तो कुछ और एक्शन देता है, वो एक्शन जो उसको चाहिए ही नहीं था, और अनवांटेड एक्शन को ही तो साइड इफेक्ट कहते हैं फ्रेंड। कि अब आप ध्यान रखना कि डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ही साइड इफेक्ट होता है। आपने सुना होगा कि सभी दवाओं का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो कोई दवा है, अब ये मान लो कि उसको वो ढेर सारे रिसेप्टर हैं बॉडी में, और उसके काम का रिसेप्टर ये है, तो वो यहां बाइंड होने के अलावा कुछ यहां हो गया, कुछ यहां हो गया, कुछ यहां हो गया, कुछ यहां हो गया, जो अनवांटेड रिसेप्टर पे बाइंड हो गया, यानी जो चटनी बिना मतलब का ले लिया फेंकेगा, तो वो जो अनवांटेड रिसेप्टर पे बाइंड हो गया, इसका कुछ असर आएगा, इसका कुछ आएगा, इसका कुछ आएगा, तो ये जो असर आ रहे हैं वो अनवांटेड है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? साइड इफेक्ट। तो ये तो भाई टेक्निकल बात है कि आप समझ जाए डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी थोड़ा सा, कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो इसको डिफिनेशन समझने के लिए समझिए कि मान लीजिए फ्रेंड कि ये हमारा ब्लड है, और ड्रग हमारा इस ब्लड में आ चुका है। ये हमारा ब्लड है, और ब्लड में हमारा ड्रग आ चुका है बाय द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब ये ब्लड से हमारे बॉडी में कहा जाएगा, इसके दो पार्ट है, ये हमारा सेल है, और सेल के अंदर कुछ फ्लूड होता है, और ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो अगर इसको हम ऐसे ना बना के, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बना दें, ऐसे करके बना दें फ्रेंड, तो क्या है, ये वाला हमारा सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, ये वाला जो लेयर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको बोलते हैं क्या? ICF, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। और जो सेल के बाहर लिक्विड भरा होता है उसे बोलते हैं ECF, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को ही हम लोग बोलते हैं इंटरस्टीशियल फ्लूइड, इसको इंटरस्टीशियल फ्लूइड भी कह सकते हैं। तो अब क्या होगा कि जो ब्लड में ड्रग है वो ड्रग, अब ब्लड के साथ कुछ कैरियर्स होते हैं। बेसिकली कैरियर्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा प्रोटीन है, तो अब ये प्रोटीन के साथ ये ड्रग बाइंड करेंगे और किस शेप में आ जाएंगे, और ये कहां पहुंचेंगे? बाइंड के साथ साथ बाइंड अवस्था में कहां पहुंचेंगे? ICF। पहले स्टेप में ब्लड से कहां जाएंगे? ICF में।
प्रोटीन से बाइंड होके और फिर ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को फ्रेंड क्रॉस करना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के जो पोर्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं। अब इसमें मैं दिखा दूं, ये छोटे छोटे आपको पोर्स दिख रहे हैं, ये पोर्स जो है वो छोटे हैं, और अगर ड्रग बड़ा होगा तो घुसेगा नहीं, और ड्रग अगर इसके साथ बाइंड है तो वो भी घुसेगा नहीं। तो अब इसको यहाँ पे छोड़ना इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो प्रोटीन्स है प्लाज्मा प्रोटीन अपनी दवाओं को छोड़ दे, और जब छोड़ देंगे तो ये दवाओं पोर्स की सहायता से कहाँ पहुंच जाएंगे, आईसीएफ में। और जब यहां पहुंचेंगे तो अब ये अलग अलग जाके ऑर्गेन के रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, दिस इज रिसेप्टर्स, अलग अलग ऑर्गन के रिसेप्टर से बाइंड करेंगे और अलग अलग एक्शन देंगे। तो फ्रेंड ये जो पूरा कार्यक्रम आप देख रहे हैं इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। अब ये एक कंपार्टमेंट हो गया, ये कंपार्टमेंट, ये अलग अलग कंपार्टमेंट है। तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, इसको आप नोट्स कैसे बनाएंगे, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द ड्रग कंबाइंड मिक्स इन द ब्लड एंड गोज इन टू द ICF, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड देन इन टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड देन आफ्टर बाइंड विद द रिसेप्टर एंड गिव डिफरेंट रिस्पॉन्स। अब दूसरी बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन का नेक्स्ट पार्ट क्या लिखेंगे फ्रेंड, दूसरा है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो रिसेप्टर तक पहुंचेगा कैसे, और रिसेप्टर तक पहुंचेगा नहीं तुम कितनी भी अच्छी दवाई खा लो, कितनी भी अच्छी बायोअवेलेबिलिटी हो जाएगी, एक्शन तो होगा ही नहीं। तो क्या लिखेंगे दूसरा पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर फार्माकोकाइनेटिक्स बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एनी ड्रग, बिकॉज व्हेन द ड्रग कैनॉट बाइंड विद द रिसेप्टर दैट इट कैनॉट प्रोड्यूस एनी फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। वीडियो को पॉज करिएगा, बार बार सुनिएगा और नोट्स बनाइएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये फार्माकोलॉजी हमारा बेसिकली क्या हो गया। ठीक है, अगली हेडिंग है हमारा फ्रेंड स्टेप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के कौन कौन से स्टेप होते हैं, तो तीन स्टेप साफ साफ दिख रहा है, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। तो स्टेप वन में आपको ये फिगर बना के लिखना है कि इन स्टेप वन आफ्टर द एब्जॉर्प्शन द ड्रग इज कम्स इनटू द ब्लड एंड द सम पार्ट ऑफ द ड्रग इज बाइंड विद द कंबाइंड विद द प्लाज्मा प्रोटीन्स। जो इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं कैरियर्स होते हैं उससे बाइंड करता है, यह पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या होता है कि इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ये कहाँ पहुंचता है, हमारे ICF में। तो स्टेप नंबर टू, इन स्टेप नंबर टू में क्या लिखेंगे, टू स्टेप, इन दिस स्टेप इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स द ड्रग रीचेज इन टू द इंटरस्टीशियल फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब स्टेप थ्री में क्या लिखेंगे फ्रेंड, स्टेप थ्री में क्या हो रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स छूट रहा है और छूटने के बाद कहां पहुंच रहा है, ICF में, और कहां बाइंड हो रहा है, रिसेप्टर से। तो लिखेंगे इन द स्टेप थर्ड द फ्री फॉर्म ऑफ द ड्रग, नॉट कॉम्प्लेक्स, द फ्री फॉर्म ऑफ द ड्रग पास द सेल मेम्ब्रेन एंड आफ्टर पासिंग द सेल मेम्ब्रेन इट रीचेज इन टू द इंट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड बाइंड विद द रिसेप्टर्स एंड गिव्स फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो फ्रेंड ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कि डिस्ट्रीब्यूशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हम उसकी बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग है इसी में फैक्टर्स। तो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग फ्रेंड्स कि फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कि डिस्ट्रीब्यूशन किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली तीन फैक्टर्स हैं, टिश्यू परमेबिलिटी, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। देखिए फ्रेंड्स बहुत ध्यान बजेगा, ये जो तो टॉपिक है ना, फिजियोलॉजिकल बैरियर और प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ये दो चीजों पे अलग से क्वेश्चन बहुत आए हैं। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में बहुत से क्वेश्चन आए, लॉन्ग क्वेश्चन, 8 नंबर के डी फार्मा में भी और बी फार्मा में भी, और फिजियोलॉजिकल बैरियर में भी अलग से क्वेश्चन आया है। तो ये दोनों टॉपिक उतना छोटा नहीं जितना आप समझ रहे हैं, इन दो टॉपिक को मैं अलग से एक एक सेपरेट वीडियो बना के इसके बाद कवर करूंगा। एक अगली वीडियो में बात करूंगा फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में, और उसके अगली वीडियो में बात करूंगा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ये वाला फैक्टर अभी देख लेते हैं क्या होता है, कि जिस टिश्यू में उस ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट होना है, पहुंचना है, उस टिश्यू पे भी डिपेंड करता है। उसके कौन कौन से फैक्टर है, पहला है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, जो दवा हम खाए हैं उसका जो नेचर है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी डिपेंड करती है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा कि कम होगा। ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा रिसेप्टर से ज्यादा बाइंड करेगा तो एक्शन ज्यादा आएगा, कम बाइंड करेगा तो एक्शन भी क्या होगा, कम आएगा। तो इसमें प्रॉपर्टीज में बहुत सी चीजें हो सकती है, जैसे उसका नेचर एसिडिक नेचर है कि बेसिक नेचर है, लाइपोफिलिक है कि हाइड्रोफिलिक है,
उसका पीकेए वैल्यू क्या है, पीएच वैल्यू क्या है ना, पार्टिकल साइज क्या है, इन सब पे भी डिपेंड करता है हमारा जो ड्रग है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो ये हमारे फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज है। इसको पहले आप इस तरह से बना के लिख लीजिएगा, फिर इसके अंदर तीन चार पॉइंट है। फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे आप कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग लाइक इट्स पीकेए वैल्यू, इट्स पीएच वैल्यू, इट्स पार्टिकल साइज, इट्स एसिडिक नेचर, इट्स बेसिक नेचर, इट्स एनर्जिक नेचर, इट्स सॉल्ट, इस पर डिपेंड करता है सारे पे। डिग्री ऑफ एनर्जेशन इस पर डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलर साइज भी क्या होता है फ्रेंड, किसी भी पार्टिकल का जो मॉलिक्यूलर साइज क्या है, देखिए आपको पता है कि अगर वो रिसेप्टर से बाइंड कब करेगा, जब वो सेल मेम्ब्रेन को पार करेगा, और सेल मेम्ब्रेन में फ्रेंड्स क्या पाए जाते हैं, पोर्स। ये दिख रहा है क्या है, ये पोर्स। और जो पोर्स का पार्टिकल गैल साइज होता है वो मुश्किल से 500 से 600 डाल्टन होता है। अगर पार्टिकल साइज किसी ड्रग का 500 से 600 डाल्टन के छोटा है तो आसानी से पार कर चला जाएगा, लेकिन अगर पार्टिकल साइज बड़ा है तो अब इस पोर्स से पास नहीं होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं। तो इसलिए पार्टिकल साइज भी मॉलिक्यूलर साइज का होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो क्या लिखेंगे, द पार्टिकल द मॉलिक्यूलर साइज इज अप्रोक्स 500 टू 600 डाल्टन इज इंपॉर्टेंट फॉर द इज नेसेसरी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। इफ द पार्टिकल्स या मॉलिक्यूलर साइज इज ग्रेटर देन 600 डाल्टन देन इट कैन नॉट पास द सेल मेम्ब्रेन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है फ्रेंड्स, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का मतलब है कि उसके पार्टिकल का आयनिक फॉर्म में या नॉन आयनिक फॉर्म में रहना जरूरी है। अगर वो नॉन आयनिक फॉर्म में रहेगा फ्रेंड तो आसानी से रिसेप्टर से बाइंड करेगा और मेम्ब्रेन को पास करेगा, आयनिक फॉर्म में रहेगा तो पास नहीं हो पाएगा। इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन उस कंपाउंड का कम होना चाहिए। इट मींस फॉर द बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ ड्रग इज शुड बी लो। पार्टिशन कोफिशिएंट क्या होता है फ्रेंड आप जानते हैं, पार्टिशन कोफिशिएंट मतलब होता है कि या तो वो ड्रग हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा या लाइपोफिलिक नेचर का, आप ऐसे निकालते हैं। तो अगर लाइपोफिलिक नेचर का होगा तो सेल मेम्ब्रेन को जल्दी पार करेगा, और हाइड्रोफिलिक होगा तो सेल मेम्ब्रेन को कम पार करेगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है फ्रेंड, फास्फोलिपिड्स है, सेलुलोज है, सेल वॉल है। तो जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, सेलुलोज का बना है प्लांट्स में, और एनिमल्स में फास्फोलिपिड का सेल मेम्ब्रेन है। तो लिपिड का नेचर जो होगा वो जल्दी एब्जॉर्ब करेगा, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो इसलिए हाइड्रोलाइपोफिलिक नेचर जिसका ज्यादा होता है, इसको पार्टिशन कोफिशिएंट जिसका कम होता है, वो बेटर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है फ्रेंड, बाकी ये दो फैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इस पे एक लंबा वीडियो हमको चाहिए आधे आधे घंटे का। तो इन दो टॉपिक को मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा, पढ़ाई करते रहिए। बहुत जल्दी मेडिसिनल केमिस्ट्री क्लासेस भी शुरू करने वाला हूँ, कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन पूछिएगा, और आपको वीडियोज कैसे लग रहे हैं यूट्यूब पे जाकर जरूर जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन पे। थैंक यू सो मच।